प्रोग्राम जो आज आप सुन रहे हैं ये सोमवार 8 फरवरी की बात है। भैया जी सूरीनाम के प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स जो सवारी के प्रीफेई ऑटो के बारे में जो फैसला लिया कि वो लोग अगर अपना सवारी प्रीफेई वाहन जिसे लोग कहते हैं अगर उनको चलाएगा या काम लाएगा तो मिनिस्टर्स लोग को करीबन सरहे 15,000 और प्रेसिडेंट के करीबन सरहे 22,000 तुलाख ऑटो तुलाख ये लोग खुद रखेरिंग यानी फैसला किया कि जब ये लोग अपना ही गाड़ी अपना ही सवारी चलाएंगे तो ये लोग 2,00,000 ऑटो 2,00,000 लेगा। मिनिस्टर्स लोग जिसने कहा सरे 15,000 और प्रेसिडेंट सरे 22,000 क्योंकि अभी तक पता चला कि जितने मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जितने चला गया है ये सब भाड़ा के गाड़ी मंगा गाड़ी लेकर के 40,000-50,000 डाला में और गाड़ी चलाते थे। इसी कारण से ये सरकार ने सोचा कि अब हम लोग भाड़ा के गाड़ी पर नहीं चलाएंगे मंगा गाड़ी नहीं काम लाएंगे हम लोग वही गाड़ी काम लाएंगे अपना गाड़ी लेकिन उस पर हमें 2,00,000 मिलना चाहिए यानी ऑटो 2,00,000। जब से यह ऐलान हुआ भाई जी तो पार्लियामेंटारियर महेंद्र जोगी पटिचा एथनल रविंदर परमेश्वर स्टेफन शांग ये बार बार पार्लियामेंट में अपना आवाज को उठाए कि यह कैसे हो सकता है ये क्या कैसे ये करना चाहता है मग कि देश में पैसा नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है अब ये इतना भरा 2,00,000 ये लोग ने लिया है हमारे देश की जनता। इसी कारण से यही बात चल रहा था 2,00,000 ऑटो 2,00,000 मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के तो ये बात इतना दूर तक आया है कि एक साल के लिए अब ये 2,00,000 बंद हो चुका है एक साल के लिए उसके बाद में देखा जाएगा। हमारे देश की जनता एक साल के लिए ये प्रीफेई फोरटेखन नहीं चलाया जाएगी सरकार के जो गाड़ी है वही चलाया जाएगी। तो प्यारे लोग ये खास करके मैंने कहा जो पार्लियामेंटारियन अपना आवाज को उठाई है इसी कारण से रखेरिंग ऑटो 2,00,000 एक साल के लिए बंद कर दिया है। अब देखिए लॉकडाउन के समय शनिचर के रात्रि को इंदिरा गांधी वैक में एक 20 वाहन मिनिस्ट्री फॉर यूस्टिशियम पॉलिसी का और एक पर्सोन ऑटो इन दोनों टकराया है बॉक्सिंग इंदिरा गांधी वैक में। बेड बस्टर्डस सेलमेट एम्बुलेंस आपको वोट क्योंकि दोनों मोटर गाड़ी छितरा गया है और ये लॉकडाउन के समय हुआ है। लॉकडाउन के समय जब कोई को दाम पर आना नहीं चाहिए था तब ये दाम पर आए हैं टोटल लॉकडाउन के बाद कहिए वीकेंड में भाई जी सरकार बोलक जाता है सरकार कहा जाते हैं मेर दान होंड तख तक लॉकडाउन ओवर 3 इज वीकेंड द पुलिसी ही फना फ्राइडे आफोंट 7 से शनिचर के सुबह 185 लॉकडाउन ओवर 3 को रजिस्ट्री किया है लॉकडाउन। भाई जी हमारे सूरीनाम की जनता लॉकडाउन ओवर 3 का रजिस्ट्री शुक्रवार को करीबन जब 7 से 5 था तो 303 था
लॉकडाउन ओवर 3 years, 4 weeks. गुजरे हफ्ता में शुक्रवार से लेकर के सोमवार लॉकडाउन ओवर 3 years. तुन खेंग हैट ओम 262 मानन एंड इनोवेटिव फ्रावन. भाई जी, हमारे सूरीनाम की जनता, देश के सरकार जितनी कानून बनाते रहता है, जितनी समस्या जनता तक पहुंचाएगा कि लॉकडाउन मतलब आफन क्लॉक है और आपको डाउन पर नहीं आना चाहिए. अब आप देखिए, रात्रि को जो बात बीतल है, 180 लोग थे डाउन पर, 180 लोग को प्रोसेस पर मार्ग बना होगा. और जैसे सरकार ने हमेशा कहा है, 350 SRD हर एक को डाल लगेगा. जो लोग डाल भरने के लिए इन लोगों का कोई तकलीफ नहीं है. मैंने आपसे कहा कि बेंजीन का प्राइस करीबन 12 रुपया हो चुका है, लेकिन आप डाम पर देखेंगे भीड़, अगर डाम पर फील देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे. मौसी, इतना बात हम आपसे कह सकते हैं कि जनता ने सोच रहे हैं कि सरकार को बोलने दो, वो अपना उनके दिमाग में जो बात आते हैं वो करते जा रहा है. अब देखिए, 180 लोग, 180 लॉकडाउन ओवर 3 days इन वीकेंड, यानी फ्राइडे आफ्टरनून टॉट एंड मेट सोंडाग ऑक्टेंड 185 लॉकडाउन ओवर 3 days रजिस्ट्रेट. आप जनता है और जनता फैसला कर रहा भाई जी ना, और सरकार डाल लगवाते हैं और सरकार को डाल मिलता है ना. और इसी कारण से जब ये बात हम लोग के सामने जब आता है, एक्स पुलिसमैन आंखों होल्डर फॉर बरोफिंग. अब देख, एक्स पुलिसमैन जब वो सिपाही ना है तो वो डाकू हो गया है, डाकू लुटेरा. एक्स पुलिसमैन मर्विन फे एन डैटिक यार, ये लियो इलियासर स्ट्रैट में जाकर के डाका डारी से बाप डाका डारी से सामन में क्रिमिनेलन. तो जब ये सब बात अब हम लोग को पता है कि एक्स पुलिसमैन लोग भी डाकू बन चुका है, न सब लेकिन एक पुलिसमैन की बात हम कर रहे हैं, और एक्स पुलिसमैन मर्विन फे एन डैटिक इंसान को होल्डन फॉर बटरोकन हेट बे बरोफिंग ऑन द लियो इलियास स्ट्रैट. बप्पा रे बप्पा, देखो धीरे धीरे क्या बात है. They wrecked her house getting back to the young dame om hulp riep. Werd schoten gelost door de rovers. Er was daardoor een kogelinslag in haar wagen. आप समझ गए ना मौसी, आप समझ गए ना काका हुआ थे देश के अंदर में. हम आगे कुछ बोलना चाहते हैं भाई जी, और आज भी सब सुनने वालों के लिए बताना जरूरी है कि स्वार ऑन राइडिंग मिस्टर एरवे टर्को एंड कोपरनिकस स्ट्रैट, 2 bestuurders zaterdagavond 11:15 lockdown के समय gewond geraakt भाई जी. और या ये बात जो गाड़ी उलटल है तुर्को और कोपरनिकस, यहां किसी को चोट नहीं लगा जैसे अब पता चल रहा है. बैगे फोर तर्ज साइन में स्लेप वाहन आपको फोर, और जो ट्वी बस्तियों से बात मैं कह रहा हूं सही रात्रि को, वो था पुलिसी फोर तय एक पर्सन ऑटो, वहां पर एम्बुलेंस के जरिए दोनों को उठा करके स्पूट एशन हेल्प को पहुंचाई गई है. गुजर सरकार जो एक कोविड नई खत इनके सिलसिले में एक फॉन्ट तैयार किया, एक फॉन्ट्स में पैसा रखा गया, फॉन्ट्स में पैसा
400 मिलियन एसआरडी, 400 मिलियन एसआरडी। भाई जी ये पैसा मिनिस्टरी फंड पुलिस गेट और COVID-19 फंड जो है, और ये इस टीम को हुक्म मिला कि जो जो देश के अंदर में मुसीबत में आ गया है COVID-19 के कारण से, उन्हें आप लोग COVID-19 फंड के द्वारा मदद होना चाहिए, पैसा के द्वारा, पैसा के जरिए। ये लखेरिंग बौतस के जमाना से बात हुआ, 400 मिलियन खुद की ओर था। लेकिन अब पता चला जब ये नया लखेरिंग बैठा श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंशियन अरमान अक्षय सिंह, तो ये फंड्स के बारे में जिक्र हुआ और फंड्स के बारे में हिसाब किताब के मांग किया गया। मालूम होना चाहिए कि ये 400 मिलियन में से कितना खर्चा हुआ, कहां खर्चा हुआ है, के मिला पैसा और कब पैसा मिला है। प्यारे जनता, ये सब यहां वहां टेलीफोन के द्वारा और ये नोट फॉन्स में जितने पैसा है लोगों को ईमेल मेल के द्वारा यहां का वहां वहां पैसा मिलते गया या निकलते गया। लेकिन जब नया सरकार प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के रिपोर्ट मिला, तो उस रिपोर्ट में देखा गया कि नेखनम 20 मिलियन टेन अनरख्त स्टेट अनबटालन फॉर रेकनिंगन दी फरीकंट मुस्तन वर्दन। कलात रिपोर्ट में ये बात है प्यारे प्यारे जनता, मतलब कि नेखन 20 मिलियन, न कि रुपया दोनी चोनी, मिलियन के बात है, का कि मिलियन मिलियन पैसा। अब देखिए COVID-19 फंड्स है, मुसीबत जनता के लिए ये फंड्स बनल है, लेकिन उसमें से भी लोग पैसा निकाल करके अपने जेब में रख लिया है। देश का प्रेसिडेंट ने तुरंत प्रोकुरर जनरल के बुला करके क्लास रिपोर्ट उनके हाथ में दे दिया कि प्रेसिडेंट बेईमान लोग को गिरफ्तार करो, बेईमान लोग को देख क्या कर सकते आप। पैसा ये जो बैंक के पैसा से झाड़ बहार करके लोग चले गए हैं, कोर्ट कचहरी होता है, जिन मोर भूख दराज लापता है, 12 साल के सजा की मांग भी हुई है, अभी तक लौट करके आया नहीं सूरीनाम में, यह पता नहीं कि वो कहां है। ऐसे ऐसे करके प्यारे प्यारे जनता, अब ये नेखनम 20 मिलियन कैन अनरेक्ट बस्टेट, कहां पर ये पैसा खर्चा है और कैसे पैसा खर्चा हुआ है। प्रोकुरर जनरल, उनके पास इतनी सामान है, इतनी मुसीबतें हैं, एक है नाशकोस्ट ऑफ फंग, एक है कलकारी फेस्टा, गिलमोर हुदरात के मामला, अब ये जो फंड्स के मामला, ये फंड्स जो 400 मिलियन पैसा था, एट खाफ यहां वहां सब देखा गया, नेखरन 20 मिलियन भी ऑन डायरेक्ट कैसे के दिया गया है, ये पैसा काहे के पैसा दिया गया है। देखो भाई जी, सूरीनाम का यूएसटीसी को एक काम जानना चाहिए कि ये मुसीबत में जब ये पैसा फंड्स में रखा गया, मुसीबत में सरकार ने पैसा निकाल करके लोग को देना चाहिए, वहां भी डाकू लोग ने डाका डालने लगा, वहां पर डाकू लोग ने चोरी करने लगा, वहां पर भी मुसीबत मुसीबत और मुसीबत मुसीबत होने लगा। क्या कर रहा है सरकार? प्यारे हमारे देश की तमाम जनता, देखिए ये बोथ और बेस्ट होल्डर्स ये कहते कि हम लोग को सब्सिडी मिलता था, अचानक सब्सिडी बंद हो गया, वो पैसा भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। बोथ होल्डर्स एंड खसलोटन बेज फरीन बलंगन
boothouders komen wijnen en boothouders aangesloten bij particuliere lijnbusorganisatie. Je loopt bolat hekje hem loopt op voor aanpijsa. Achterstallige subsidie. Kom niet lega. COVID-19 gelden die kap ze niet lega. Je sap pijsa kahat. Pijsa to bab. 400 miljoen. ICOC. Pijsa bhara gaya logo ke. कोई के मिला कोई को नहीं मिला काहे की मिला कैसा कैसे निकलते गया पहले ये सरकार अंधसु करेगा और फिर उसके बाद ये बहुत औदेश के पैसा भी मिलना चाहिए। एक अरेस्टेंट होटल में पॉजिटिव टेस्ट हुआ है एन अरेस्टेंट ये सलाह है इस होटल की ये बात है भाई जी पॉजिटिव का टेस्ट ऑफ COVID-19 वहां पर तीन लोग के साथ ये बंद थे कमरा में लेकिन पता नहीं है कि वो तीन लोग भी बसमैत है या ना बसमैत है। अब उन लोगों को भी यानी चेक किया जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे पता चला मौसी कि देश में इस वक्त देखो मारपीट होता है रोजाना। शकील एम शुक्रवार को सिपाही शकील को गिरफ्तार किया है क्योंकि लड़कों के झगड़ा में मारपीट होने लगा बड़े लोग के अंदर में और शकील एम वो अपने नेक्स्ट को ऐसा घूसा मारी से भैया ऐसा घूसा मारी से कि बेचारी का दांत टूट करके और निकल गया बाहर। Shakil M is vrijdag aangehouden omdat hij een tand van zijn nicht heeft kapotgeslagen aan de Schimmelpenningstraat. Mundrika politie, Shakil M ko giriftaar kar liya hai. Ye bachon ke jhagda mein hicha tani ho raha tha. Bas ye Shakil apne nicht ko maar le is aisa ghusa bas bechari ka daant nikal karke chitra gaya. अब आप चलेंगे प्यारे जनता हमारे सूरीनाम के जनता अजीब अजीब चीज होता है देश में जो देश में समस्या होता है इसका हकदार भी आप ही है क्योंकि आपको ये सब बात बताना बहुत जरूरी है। परमारीबो में एक डाकू ने हेमस्टेन बेरस्त्रात की बात है क्रिमिनल ने इन पर हमला किया उनका तास छीन लिया 170 एसआरडी मोबाइल टेलीफोन एचएफ आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंटन ये सब डाकू उठा करके भाग गया है। यह डाम पर हुआ है और सिपाही को यह खबर मिला है। हमारे सभी सुनने वालों आज जो बात भी हम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं यह एक बहुत गंभीर समस्या मौसी एक गंभीर समस्या काकी क्योंकि ये हमारे ही देश में तुम्हारे ही देश में सब चीज हुआ है। एक बच्ची नई खंतीन यारख बच्ची जिसका नाम है वीराइश्री डे 19 साल का बच्ची डे वीराइश्री ये शुक्रवार के बाद है मौसी जो सुख के बीतल है ये औरत या ये बच्ची या औरत ये कहीं लड़की कहिए देवी रायश्री नई खातिन यार ये बच्ची जिस तरह से पुलिस के फरकलारिंग हम बात करते हैं भाई जो पुलिस है जो फरदाख्त फरकलाट डट से इन बेट सो स्टापन विलाई श्री देई नई खतीन यार सिपाही से एक बयान दी है कि जब हम पलंग पर
लेटने के लिए गई है तो वहां हम मुझे महसूस हुआ कि मुझे बच्चा पैदा हो रही है। शैफू द इच एठा खसलास देव हानन द बेबी हिंग ऑन एन नावल स्ट्रेंग एंड हेल्ड विलाई श्री दे नहीं तीन यार। ये अपने बयान में क्या कही है क्योंकि वो सिर्फ सिपाही इनको गिरफ्तार की है और कहे के गिरफ्तार की है। अब वो बात हम आपको समझा रहे हैं। विलायशी देई को पुलिस जो पकड़ के बंद करी से उसके लिए हम आपको बताते क्यों, क्योंकि ये बोल रही है कि वो गए पलंग पर लेट गई है और महसूस होने लगा कि उन्हें बच्चा पैदा हो रही है। और हकीकत में एक बेबी पैदा हुई और वो नाभल स्ट्रेंग में लटकी है, रो रही है। तो जो रोती है ये बच्चे तो उनके मुंह में अपना अंगूरी घुसेर दिया ताकि रोना बंद कर दे। कुछ सेकंड तक ये वो रोती है लेकिन उनके मुंह में अपना हाथ डाल दिया ताकि वो बेबी छुपा जाए। द बेबी एंड ही हील्ड एंकल सेकंड दार। उसके बाद में नाफल स्तन काटी से एक कैंची से उसका मुंह के बाद भी काटी से। उसके बाद में अपना हाथ उनके मुंह में से निकालती बाहर। फंड बेबी डी नीट मेयर है उधर। अब उनके मुंह में से हाथ निकाल लिया, अब ये बच्चे बेबी नहीं रोता है। उसके बाद में उन्हें कपड़ा में लपेट करके और जहां कुकुरू है एक तफड़ा वहां पर जाकर के बेबी को रख दिया। क्योंकि ये बेबी का मौत हो गई है, इस बेबी का हत्या कर दी है। प्यारे भाइयों, तुम समय रखते हो जब बेबी नीट में लिफ्ट समझे ना, तो ये घबरा गई है। विलाय श्री दे गिरफ्तार हुई है भाई जी। अब आप जानते हैं कि जब उनके मुंह में अंगुली आप दाव देंगे काका, तो वो बच्ची जिंदा नहीं रहेगा, सांस बंद हो जाएगी और वो मर जाता है। अब ये विलाय श्री ओंचन कर रहा है। 5 मार्च को यह मुकदमा जज के सामने पेश होगा। 5 मार्च को अब यह बहादुरिंग आगे बढ़ेगा क्योंकि इनसे सवाल पर सवाल कि आपको नहीं पता कि आप पेट से थे। सवेश दत्नीच पास्तून से इस बफालन वे सदात से स्वांगरवास। अब तमाशा सुनका की यंग दाम ऑन कैन डू दन बेबी। लेकिन जब तो बच्चा रो रहा है या रो रही है, ओके मुंह में हाथ अंगूरी डाल दिया और वो रोना बंद कर दिया, तो कत्ल किसने किया है? सवर्थ फॉर दाख फन केंद्र मोर्च विलाय श्री दे नहीं खतीन ये ऑन कैन कर रही है कि वो बच्चे के गटे में अंगुलियां दाब दिया और उनका मौत हुआ। लेकिन पुलिस के रिपोर्ट में ये बात है कि वो रो रही थी तब के मुंह में हाथ डाल गई से। मुझे एक बात याद आवत है भाई, एक मारोन औरत बोट में बैठी है और मारोन औरत के साथ साथ वो जो उस जमाना का जो स्लाफरनेई के जमाना के बात है, स्लाफन के बास बास बैठा भी बोट में
और ये मारोन के औरत का बेबी रो रही है बोट में, रो रही है और मैया के छुपा रही, छुपाती भैया रुक छुपा जा बेटा छुपा जा वगैरह। तो सलाफन बास क्या कहता है, लड़का न छुपाए मांगे तो दे हमें ना, तब भी हमको छुपा दी, बस मरण औरत बेबी दे दी सर सलाफन बास के, वो चले पानी में हर हर, हर। बस उनकी टंगड़ी पकड़ करके लड़का के और ऐसे उठाए के पानी में लटका दिया पानी में, अब वो चल रहा चलता है। तो थोड़ा भी निकाल करके इसे मैं यज्ञ दे इस बोले कि देखिए अब रोवे कि ना, बोले ना रोवे है ओके मार डालिस पानी में मुंह घुसेर दे इस भाई, और वो बेबी का मौत हो गया सलाफन बास। ऐसे ये पता चलता है कि ये बेबी ये कि मुंह में हाथ डाल दिया, जब आवाज बंद हो गई तो उठे लपेट करके और तफरा पर धर दिया। ये अनेक अनेक प्रकार की चीज है भाई जी, 5 मार्च को ये मुकदमा लीलाई श्री देवी का मुकदमा फिर आगे जाएगा, यहां रेक्टर ने फैसला सुनाएगी। एक पुलिचिमान फेरखिल का, पुलिचिमान फेरखिल का जिस पर इल्जाम है कि एक बच्ची को रेप किया है, एक लड़की को बलात्कार की है, फेरखिल का पुलिचिमान फेरखिल का डी वर्डाक्ट वर्च फन सेक्स मेट एन मेश ब्लेक इन फोर अरेस्ट। रेक्टर से गुजारिश की कि इनको छोड़ दे, रेक्टर डनकन नानू, रेक्टर डनकन नानू बोले नहीं और नहीं नहीं नहीं, फिर खिल के हम ना छोड़ सकीला, समझे ना भैया। ये सिपाही कहता है इन द फोर सेंट बिफोर द रिंग वेर थे इंफर से खस्टाउट, बोले मैन करियर इज फॉर टेस्ट न। अब ये लड़की कहती कि तुम मुझे बलात्कार कर लो है, और सिपाही फिरखिल को गिरफ्तार करके बंद किया, पुलिसमान फिरखिल इन पर इल्जाम है अभी तक जेल में है। बहुत तरह की बात हम आपको बता रहे भाई जी, श्री नाम के तमाम जनता, हमारे देश के तमाम लोग देखिए, COVID-19 के मामला एजन 20 आज अभी 24 घंटे के अंदर में एजन 20 नीव खफालन, एजन 20 नीव खफालन, ये नया नया लोग हर एक समय जब ये टेस्ट होता है, एजन 20 लोग टेस्ट हुआ है बस बैटिंग 160 लोग का मौत हो चुका है और 60 लोग, और इंटेंसिव केयर में 9 लोग इस वक्त है, इंटेंसिव केयर में 9 लोग भैया जी। बहुत बहुत अफसोस की ये बात है भाई जी, क्या कही हम आपको और भैया जी। एक मामला हम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं भाई जी। प्यारे प्यारे जनता, ये मामला है एक आदमी जो बड़ी मेहनती थे, जिनका मृत्यु हो गई है और जिंदगी में बहुत तरह के काम भी की है, बहुत मेहनत की है, बहुत काम की है देश के लिए, समाज के लिए और जनता के लिए। हम बात करने जा रहा हूं एक अमतनार, मिंद्र व्यक्षत्र का अमतनार रविचंद्र रामचरण, जिन्हें लोग रवि के नाम से जानते थे, रवि रामचरण सुशाल साक में मिनिस्टेरी फॉर सोशल साक फॉर सस्टिंग, आप तो जानते ही है पेंशनर अमतनार, वहां पर
फेस्ट के अगुआकार था सेल्फ बॉ, और जितने लोग भी जानते भाई जी रवि रामचरण सेल्फ बॉ कमीसी में था, जिसमें मोनस पद्मा रॉजर्स शबीर इसाक और ऐसे करके सेल्फ बॉ कमीसी में बहुत हजारों हजारों लोग को बैंक के द्वारा पैसा दिलाया कि वो पैसा लेकर के अपना घर बनाए। रवि रामचरण टैक्स मान था इस कमेटी में, जो फैसला रवि रामचरण ने करता था देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, फ्लोरा में जितने सबन मकान बना हरिश्वेस्ट के नाम से, वो सब मकान तैयार हुआ। सोशल काम में भी काम किया, और जब अफवाह के बात होने लगा, जो बिल्लाल से और रुख आया और लोग को इधेम से परिवार और लोगों को जो यहां पर रेस फेस्टिंग के जरिए पड़ा, रवि रामचरण भी कमेटी में था मेरे साथ, और हम लोग ने बड़े बड़े जगह भाड़ा पर लेकर के जंगलों के लोग ला करके रखा गया। रवि रामचरण बहुत तरह से काम किया, रेस फेस्टिंग गरीब जनता के घर बनवाया, रिपरासी करवाया, बहुत से मेहनती लोग जानते हैं कि रवि रामचरण ने कितनी काम किया है। उनका मृत्यु हो गई है 78 साल की आयु में, और मंगलवार को यानी कल निंद्र व्याप्तर से अर्थी उठाई जाएगी 2 बजे समुन्द्र के, वहां पर इनका दाह संस्कार होती है। हम लोग जानते हैं कि रवि रामचरण मेहनती इंसान और सुशाल साक हेस्टिंग और वहां पर जो सेल्फ बॉ उसका अगुआकार था, होप था, और उसी कारण से बहुत गरीब जनता को सहायता दिया। प्रभु परमात्मा से हम लोग रवि रामचरण इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी रूह के लिए, इनकी आत्मा के लिए, कि प्रभु इनको अच्छा जगह दे, अपने चरण में रखे। एक इंसान बड़ी काम किया गरीब जनताओं के लिए, गरीब इंसान के लिए, लेकिन रवि रामचरण का नाम कोई ऐसा रिपोर्ट में आज नहीं है। इतनी मेहनत करते हुए रवि रामचरण दुनिया से अब कल हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलविदा ले रहे हैं। इस परिवार रामचरण को जितने पुराना अमतनार सुशाल साके के सभी पुराना अमतनार इनके संग साथी परिवार रामचरण को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। मेहनती इंसान अब देहांत हो गया है। हमारे सूरीनाम के जनता, देश के तमाम लोग 12 फरवरी को चिनेश न्यू ईयर है, चिनेश न्यू ईयर। हर एक साल चिनवा लोग अपना साल एक जनावर के नाम से कफल करता है। गुजरे साल में था रथ चूहा, अब सी है अस बुल, बुल के बाद चल रहा है बैल बैल। 12 फरवरी को चिनेश यारदाख, और पता चला है कि फिर वर्क शो रहेगा, फिर वर्क शो रहेगा 12 तारीख को। अभी पता नहीं कि कहां पर, ओलाफांक लखे इस प्लेन पर ये कहां पर, लेकिन ये चिनवा लोग कोफत नहीं खतीन समस्या देख करके अब से फिर वर्क शो करेगा, और हम लोग भी मिल करके, क्योंकि फरीदा को एक नेशनल फेस दाख, याद रखना 12 तारीख को फरीदा नेशनल फेस दाख है। इसी कारण से हम लोग शिनेश फैमिली को बहुत से बहुत हम लोग बधाई पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं भाई जी। हम लोग खास करके हमारे सूरीनाम के जनता आने वाले बुध को, आने वाले बुध के बात हम करने जा रहा हूं,
10 फरवरी को। भाई 10 फरवरी को द स्टेटिक राइट फास्ट ऑर्डन सूरीनाम 88 में जो अपना कंट्रोल बनाया है वो सवेरे करीबन सरे 9 बजे के समय देसी शर्मा का देसी शरीन बंसी दुर्गा के द्वारा उस कंट्रोल का उद्घाटन होने को जा रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं डोनर के जरिए मटेरियल और खास करके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शर्मा का और देसी के सहायता से हम लोग को पर्सनल मिला वहां पर कि हम लोग कंट्रोल तैयार कर सके। बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये देसी जब से आया शर्मक्का में शरीन बंसी दुर्गा बड़ी मेहनती देसी है क्योंकि ये शर्मक्का में यह रहती भी और ये शर्मक्का के खास उसका वहां किस मुसीबतें जो है वो खुद जानती है वो समझती है और वो खास करके अपना वैरक आरम जो है अपना डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी तारस हो जिसे गोपाल भाई जी और कितने जितने सबके सहायता से जनता का सेवा कर रहा है। मंदिर के लिए पराची करते हैं मस्जिद के लिए पराची और ऐसे ऐसे हर एक के सहायता देता है। और बात यह भी है कि एक कमिश्नर भी खुद जाते गांव-गांव में देखने के लिए कहां मुसीबत है और कहां कैसे उसको हल करते हैं। मैं यहां से जनता की ओर से और अपने यहां के कर्मचारियों के अलंग से देसे शरीन बंसी दुर्गा और उनकी कर्मचारियों को हम लोग बहुत से बहुत बधाई देते हैं शुक्रिया अदा करते हैं। और जो स्टेक्टिंग का तंतोर का उद्घाटन होगा सवेरे तो आप तो जानते हैं हमारा बस्तीर से निवेदन है हमारा बस्तीर को कम से कम वहां उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे बस्तीर के लोग भी ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं जैसे कि एडवोकेट है तो ये है भैया रमेश तो एडवोकेट शायद निकेल रहेगा भैया गौतम द्वारका दुर्वादर है तो वो भी नहीं आए पाएंगे शायद तो ऐसे ही से करके है। लेकिन जो बस्तीर हमारा जिन्हें फुर्सत मिले तो आने वाले बुध को सवेरे उपस्थित रहना क्योंकि हम तो खुद जाते आते हैं और आज भी मैं वहां पर उपस्थित था अपने बस्तीर के साथ और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आगे काम जारी करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोग को भाई जी जनता देश के तमाम जनता हम एक समस्या आगे बढ़ाना चाहते हैं और यह समस्या यह है काकी शायद आप जानते होंगे कि दिसपुर तैखन के बारे में दिसपुर तैखन के बारे में फेर को दिसपुर तैखन इस ब्राउन फान कोरेप्सी जितनी नया नया गाड़ी बिक गया है नया नया गाड़ी सब बेच दे रहे हैं पॉलिटिक के लोगों के लिए कानून को चाहिए इस मामला में ऑन द स्पॉट करने के लिए। और जहां तक पता कि प्रोकुरेटर जनरल इन तमाम बातों से सहमत है और ये बात आगे बढ़ेगा। ए भैया हमारे सूरीनाम के हर एक जनता देखो भैया जी ऐसे ऐसे करके हम लोग हर एक को बधाई भी देते हैं। हम एक भाई को बधाई देने जा रहा हूं वो हमारा भाई की तरह है एक नार फान बलहुस सौंट टेफन्स अपरेक्टर फान बलहुस टूरिंग ये 7 फरवरी को 80 साल के हुआ है। तो हम बात करने जा रहा हूं हमारा भाई महेंद्र मलहू के बारे में। बहुत जमाना से ये बेस गाड़ियां के कारोबार कर रहा है। पहले जब बेस चलता था तो मलहू का बेस चलता था आप शायद जानते होंगे
कि हमारे देश में सरकार के बेस नहीं था उन दिनों में, पर्टिकुलर लोग तो बेस थे, मलहू को बेस था बहुत ज्यादा बेस, और बहुत सा बेस इनके यहां से सरमक्का और सरमक्का से पारामारिबो और दूर तक आते जाते थे मलहूस, ये बात सबको जानत है। आगे चल करके जो सौंद के बात है, तो बहुत जमाना हुआ कि ये सौंद के कारोबार भी कर रहा है। हमारा देश में हमारा किंग साहब रफी साहब जब आया था तो मलहूस सौंद यानी कि सहायता से प्रोग्राम हुआ, किशोर कुमार, सोनू निगम और कितने बड़े बड़े कलाकार, नितिन मुकेश वगैरह ना, महेंद्र भाई जी ये सौंद के कारोबार ठीक से जानता था, बहुत से जमाना से काम करते आया है सौंद सिस्टम इनका, ज्ञानी इंसान था, एरफारिंग इंसान था महेंद्र जी, इसी कारण से कि बड़े बड़े शो सूरीनाम में जो आया उन दिनों में महेंद्र सौंद काम में लाया गया है। महेंद्र मलहू एक बड़ा धीरा इंसान है, बहुत सच्चा इंसान, इनका परिवार भी बहुत सच्चा, और महेंद्र वो काम किया कि जब ये देखा कि जबरदस्त बैठक गाना रेडियो रापर के वेस्ट इंडीज प्रोग्राम में होता, तो ये हर एक इतवार को रापर स्टूडियो में आ जाया करता था। महेंद्र मलहू को पता है कि पहले जमाना में बैठक गाना टेंटी के नीचे, टेंटी के यानी बगैर सॉन्ग से हुआ करता था। महेंद्र जी ये बात देखा तो बहुत तरह के सॉन्ग तैयार किया अपने घरे, 20-25 सेट सॉन्ग, और जो बैठक गाना शुरुआत हुआ तो उन लोगों को महेंद्र ने कहा कि आप अगर बैठक गाना करना चाहते हैं तो सॉन्ग के द्वारा, जो पहले नारी समाज या बैठक गाना ये सॉन्ग से प्रोग्राम नहीं करते थे, सॉन्ग सिस्टम नहीं थे, महेंद्र ने लाया और वो सभी महफिल में टेंटी के नीचे सॉन्ग के द्वारा प्रोग्राम करने लगा। ये महेंद्र जी का यानी प्रोग्राम था, ये महेंद्र जी तैयार किया, उनके पास जाकर के लोग भाड़ा पर लिया करते थे, सॉन्ग ले जा करके प्रोग्राम करके लौट करके आते थे तब पैसा देते थे। तो मलहू ने ये कार्रवाइयां किया देश में कि महफिल में अगर प्रोग्राम करो तो सॉन्ग के साथ, जो पहले लोग नहीं करता था। तो ये बहुत अच्छे अच्छे काम भी की महेंद्र, और बड़े बड़े कलाकार जो सूरीनाम में आते बेलचलाम से, तो इन्हीं की सॉन्ग के द्वारा होता था। अब बहुत तरह के लोग के सॉन्ग हो गया है, लेकिन शुरुआत में सिर्फ महेंद्र के था, उनके बेटे दिनेश भय और जितने नारी मल हो ये सब लोग अब उनका सॉन्ग से कारोबार कर रहा है। महेंद्र मलहू अपना 80 साल के हुआ है ना, और हमेशा ये प्रभु का भक्त है, ये प्रभु को कभी नहीं भूलता है, और ये हमेशा लोगों के गमी में, हमेशा लोगों के दुख में महेंद्र जी हमेशा रहता है। एक बहुत अच्छा इंसान है, हमारा भाई तरह है, और हम लोग भाई की तरह रहते हैं। कि जब ये सौंद से कारोबार शुरू किया तो पहले ओतो में था, ओतो सौंद, तो उन दिनों में आप तो जानते भाई जी सूरीनाम में एक या दो रेडियो स्टेशन था, रापार और राधिका भी आ गया और आपरस भी थे, तो उन दिनों में रेडियो के जरिए जो फिल्म के खबर होता था ना, तो सब कोई के पास भी रेडियो नहीं थे। तो महेंद्र भाई जी ने मुझसे बातचीत किया कि देखो हम लोग यानि सड़क पर डाम पर गांव में जा करके सॉन्ग के द्वारा जनता को बताया जाए कि कौन सा फिल्म है, कौन सा कहाँ है। तो मुझे पता है महेंद्र जी गाड़ी चलाते थे, मैं सॉन्ग पर ध्यान रखते थे कि ये थिएटर जसोदरा में, सिनेमा जसोदरा में, लपारा में, लिक्सौर में, क्या बड़े ये फिल्म है, वो फिल्म है, तो ये मैं कर रहा था ये, और महेंद्र गाड़ी चलाते थे और ये हम लोग पाम्फलेट बांटते थे गांव-गांव में जा करके। तो वो भी एक जमाना था
महेंद्र भाई को शायद याद होगा कि सौंठ के द्वारा हम लोग डाम पर कि आइए आइए श्रीनिवास जसोदरा में फिल्म दिल के देखो, शमी कपूर के देखिए, मोहम्मद रफी के गाने सुनिए बप्पा आइए। तो इस तरीके से हम लोग अनाउंस क्या करते थे सड़क पर डाउन पर, वो नहीं खा तीन शस्तक की बात है, नहीं शस्तक शस्तक ऐसे करके सही फल तक आया। और हम लोग करते करते तो थिएटर में जनता बहुत जुट रहा, तो धीरे धीरे तब अब रेडियो में होने लगा ज्यादा तौर पर, लेकिन मलहू के जरिए ये सब काम हम लोग शुरुआत किए हैं भाई मलहू। इसी कारण मैंने कहा भाई महेंद्र और मैं हम लोग भाई की तरह है ना, और अभी तक हम लोग इसे है भी, एक अच्छा इंसान है, धार्मिक इंसान है, किसी से झगड़ा लड़ाई के कारण इसमें इनके अंदर में ना है ना। तो महेंद्र आपको मैं भाई महेंद्र बहुत बहुत बधाई हो ताकत यार, और अभी तक महेंद्र उतने तंदुरुस्त है ना, इनके बच्चों ने भी बड़ी अच्छा काम करता है, सौंठ के काम करता है, नेकिया कर रहे हैं, तो खुशी की बात है भाई महेंद्र। मुझे उम्मीद है कि शायद आप सुनते होंगे, तो मैं रापार के डायरेक्टर और पर्सनल के अलंग से भाई महेंद्र आपको हम बधाई देते हैं 80 साल न, और हमारे रिश्तेदार की तरफ से हम अपने बीवी के रंग से अपने बच्चों के रंग से इम्तियाज फिरदौस है, और हमारा एक नातिन जो रेखतन के सलाह हुए हैं अभी दो दिन हो तीन रोज, वो है राशेल, वो मिस्टर इन द रेखतन की डिग्री हासिल की स्तराफ रेख्त, एक साल पहले बैचलर था बैचलर के, और उसके बाद पढ़ते गए इस बेचारी, और दरियन तुलक यार के है या त्वेंत यार के, अब देखो मिस्टर रेखतन की डिग्री हासिल की है, और उनकी माँ के नाम है परवीन ईसा, हमारी बड़ी बेटी। तो हम लोग मिल करके भी भाई महेंद्र को बहुत से बहुत बधाई हमें पेश करते हैं। तो यही सब बात कहना था आज, और ये बात कह करके मैं अब आप लोग से इजाजत चाहूँगा भाई जी, अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम लोग से मुलाकात होता ही रहेगा, क्योंकि ये जिंदगी है, और जिंदगी में मुस्कुराते रहो, खुशी खुशी बातें करते रहो, झगड़ा फसाद से दूर रहो, प्रभु परमात्मा को मत भूलना, अल्लाह के सामने हाथ उठा करके दुआ मांगो, और प्रभु के सामने प्रार्थना करो अपने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, देश के लिए और समाज के लिए, शांति के लिए, तब हम लोग को प्रभु परमात्मा हम लोग पर दया करेंगे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम लोग और कुछ जमात और समाज के काम कर पाएंगे। सारण आवाराधाम नंबर 38 से विधवा वाणी महांगो लौटन सौख के साथ ये सूचना देती है। एतवार फ़रवरी के 7 तारीख 62 साल के उम्र में विधवा वाणी महांगो लौटन के बहन सुनील रामन रवीन आशना और शांति के मौसी लीता शालिनी शर्ली रत्नील और गिलर मऊ के मौसिया सास सोराया शनील आयशा रिशान शानिया और रोहन के आजी आरोही के नानी स्वर्गीय ग्लैन महंगू के सारी ब्रह्मसोपह नंबर 76 के रहने वाली श्रीमती हेमावती लौटन की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ज्यादा मून के नाम से जानते थे। अर्थी बुध फ़रवरी के 10 तारीख सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। 12:30 बजे ब्रह्मसोपह 76 से अर्थे उठाई जाएगी। 2 बजे वह नर्जी पर दाह क्रिया की जाएगी। बैठक घर पर की जाती है। अर्थी कल सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। लाइडिंग नौ आसे श्रीमान स्वामी रघुनाथ सौख के साथ ये सूचना देते हैं। सुख फ़रवरी के 5 तारीख 72 साल के उम्र में श्रीमान स्वामी रघुनाथ के सार
श्रीमती कामलावती रघुनाथ सेवराज के भाई, चेलर कौ के मामा, तीन पतो और तीन दामाद के ममुआ ससुर, 12 लड़कों के आजा और नाना। काल का प्रोजेक्ट नंबर 21 के रहने वाले श्रीमान भगवान प्रसाद कौनेलस सेवराज की मृत्यु हुई है। अर्थी आने वाले 20 फरवरी के 11 तारीख सुबह 7 बजे घर पर रखा जाएगा। 9 बजे अर्थी काल का प्रोजेक्ट से उठाई जाएगी। सुबह 10 बजे क्रेमाट अर्थ केक पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। Welkom in de studio, Shifar. Dankjewel, Siska. Hoe is het? Nou, het gaat een beetje met alle ups en downs. Een beetje? Ja. Zou je zeggen, zolang je gezond bent, gaat het heel goed? Ja, je hebt daar gelijk in. Tegenwoordig moet je dat zeggen. Nou, vandaag heb ik de gelegenheid om een beetje te praten over, of met Shifar, over Shifar. Wie is Shifar zelf? Nou, Shifar is het beste beschreven als een dromer. Een dromer? Ja, een dromer. Okay. Ik ben heel enthousiast over muziek. Mm-hmm. Dat is buiten discussie. En ik kijk daar heel serieus naar. Ja. Ik ben al 15 jaar bezig, actief in de muziekwereld als percussionist. En de afgelopen 7 jaar ben ik ook bezig met mijn eigen muziekschool. Ja, maar als we praten over 15 jaar ben je al bezig. Heb je geen enkele andere hobby's gehad? Ja, natuurlijk. Want als ik zo naar je kijk, dan zie je er wel jonger. Dus ik ga je naar je leeftijd vragen, maar dan ben je wel heel vroeg begonnen. Ja, dat klopt. Ik ben vroeg begonnen. Maar natuurlijk had ik ook andere hobby's. Maar een hobby die steeds bleef uitsteken, is muziek. Muziek. En vanaf dag 1, toen ik ermee ben gestart, heb ik nooit meer losgelaten. Ik ben er steeds verder in gaan duiken en steeds meer kennis gaan vergaren. Hoe heb je dat gedaan? Ben je op les geweest of heb je zelf studie gedaan? Ja, ik begon als tablaspeler 15 jaar terug. Okay. En dat was dus aan het India's Cultureel Centrum. Ja. Ik kreeg dus les van de welbekende Shalin Ermandari. Mm-hmm. Dus tabla was mijn eerste instrument. Maar om een geheimje te verklappen, ik wilde altijd dolk spelen. Zo. Ja, dus ik heb begrepen van mijn oma's en zo dat ik al heel vroeg tikte tegen stoelen. En ook op school had ik problemen, weet je. Ik werd uit de klas gezet omdat ik tikte op tafels. Maar ik kon natuurlijk geen dolk leraar vinden. Mm-hmm. Maar mijn moeder die ging dus toevallig naar ICC. Voor wat yoga lessen. En daar gaven ze dus natuurlijk tabla lessen. En toen zei ze van, kom maar een dagje mee, kijk als je het leuk vindt. Mm-hmm. Als je het leuk vindt, dan volg je les. Als je het niet leuk vindt, dan laat je het. Ja. Was er toen dus helemaal geen dolk docent? Ik zal niet zeggen dat er niet was, maar weet je, ik kom niet echt uit een muzikale familie. Mm-hmm. Dus men is ook niet echt op zoek gegaan
naar eentje. En dus niet dat wij bekend waren met eentje dichtbij. Dus jij bent de enige in de familie die met muziek bezig is? Nou, ik zal niet zeggen de enige. Mijn generatie wel. Ik heb een neef, Ryan Abdulaziz, die zingt. Die is heel bekend in de Surinaamse samenleving ook. Maar hij en ik zijn van dezelfde generatie. Okay. Dus als ik het goed bekijk, begint het bij onze generatie. Ja. Dus dat heel muzikaal gebeuren. Mm-hmm. En we zijn dus beter vanaf nul begonnen, want niemand die ons kende en dat soort dingen. Ja, precies. Ja, ja, ja. En nu ben je natuurlijk niet weg te denken. Ja, dus dat is zo grappig als ik terug moet kijken naar 15 jaar terug, waar niemand Shifar Abdulaziz kende. Mm-hmm. En 15 jaar later, waar ik heb gemusiceerd met haast alle bekende artiesten van Suriname, zowel buitenlandse artiesten. Ik heb Suriname ook mogen vertegenwoordigen in het buitenland. Dus als ik terugkijk naar van waar ik ben gekomen en waar ik nu ben, moet ik wel zeggen, dat ik ben nou gegroeid. Ik ben een beetje blij. een beetje blij. Ja, ik zeg een beetje, omdat ik nog veel meer in mind heb. Ja, precies. Maar ik denk als artiest heb je nooit genoeg. Je blijft gewoon groeien. Precies, ik heb het ook al eerder gezegd. De dag dat je als artiest zegt, oké, ik ben nu waar ik wil zijn, mm-hmm. is dat eigenlijk het einde van je carrière. Ja, precies. Ja. Helemaal goed gezegd. Maar je bent dus na 15 jaar ben je dus, nee, 7 jaar later, ja. Heb je dus je eigen school. Ja, dus het is, het traject is heel spannend eigenlijk als ik nu terugkijk. Lijkt wel op een verhaaltje soms. Mm-hmm. Ik ben uitgegroeid van iemand die heel bang was om instrumenten aan te raken. Toen ik voor het eerst aankwam op ICC, was ik bang om instrumenten aan te raken. Ik zag het al zo heilig en zo, weet je, ik was bang. Dus ik ben uitgegroeid van dat traject naar iemand die performt, speelt. Want na 2,5 maand had ik mijn eerste optreden al. En ik werd steeds beter en ik begon steeds meer kennis te maken met andere slaginstrumenten. Ik begon een tijdje toen ook met Taza. Ik werd gevraagd om je heren dus op te leiden, om te spelen. Dus allemaal indirect begon ik al met lesgeven, maar je staat er niet bij stil. Je denkt gewoon van, oké, ik doe het en ik help ze wel een beetje, weet je wel, omdat ze misschien nog niet zo ver zijn. Ja. Maar je staat er nog niet bij stil, wat het later kan worden. En dat je die contenten hebt. Precies, dus ja. ik stond daar echt niet bij stil. Het ging dus door, ik maakte steeds meer kennis met andere instrumenten. Op een gegeven moment speelde ik ook trompet. Ik ging naar een volksmuziekschool voor westerse muziek. Ik heb 2 jaar westerse muziek gedaan. En op een gegeven moment kwam de request van een kennis van mij van... Zou je ons niet willen opleiden? Ik zei van opleiden, maar je kan toch al spelen? Hij zei ja, maar ik kan niet alles spelen dat jij speelt. Yeah. Ik zei goed, kijk, ik ga geen les kunnen geven, weet je, maar ik kan jullie wel helpen. En zo werden die aanvragen steeds groter, steeds groter. Mm-hmm. Ik werd benaderd door organisaties. Mm-hmm. Van, wil je geen les geven voor een groepje van ons? Yeah. En toen kwam het idee van, weet je, misschien moet je eigen ding starten. En toen begon ik met lesgeven, 7 jaar terug. En hoe heet je school? Shifar's Studio of Percussion, afgekort SSP. Ah. Ja, dus ik begon met lesgeven en dan... En die naam bestaat niet zo lang hoor, want ik ben misschien zeg maar 3 jaar actief met die naam. Want op een gegeven moment moet je wel gaan denken aan de naam, want je wordt zo bekend in de samenleving. Ja. En ik begon toen ook met instrumentreparaties. Dus ik begon mijn eigen membranen, mijn eigen vellen te vervaardigen. En toen zei ik tegen mezelf, weet je wat, elk instrument dat je ziet of dat je gaat kopen, heeft wel een naam. Waarom zou de mijn vellen of mijn instrumenten geen naam kunnen hebben? En toen ben ik dus begonnen met mijn logo, een beetje nadenken daarover. En ik zei van, weet je, het moet iets kleins, iets korts, maar catchy zijn. Want op een instrument kan je niet 20 zinnen schrijven, snap je? Dus heel catchy zijn. En toen ben ik opgekomen met de afkorting SSP. En die P is dus niet een echte P, maar het is dus een noot die omgekeerd staat. Ja, ja. Als je het goed bekijkt. Klopt, klopt, inderdaad. Ja, en zo gaat het traject alleen maar verder. En ja, er is nog heel wat gebeurd daarna. Dus van speler naar muziekleraar, naar instrumentenreparateur. En vorig jaar ben ik dus begonnen om officieel complete instrumenten te vervaardigen. Ik ben me dus ook gaan verdiepen in houtbewerking. Mm-hmm. Dus ik vervaardig nu mijn instrumenten. En is de vraag daarna groot? Kijk, Suriname is een heel kleine economie. Mm-hmm. Toch? Dus
maakt niet uit op welk draagvlak, we hebben allemaal te kampen met dat probleem. Yeah. We hebben een heel kleine bevolking. Yeah. En daarvan is maar een heel klein deel actief bezig met muziek. Yeah. Dus als ik daarnaar zou kijken, zou ik nooit verder gaan en nooit serieus kijken naar muziek. Maar het zit gewoon in me. Ik heb dus niet gekeken naar hoe groot is de vraag, hoeveel kan ik gaan verdienen ermee. Natuurlijk is er wel een kant van business daaraan toegevoegd. Mm-hmm. Maar voor mij gaat het meer nog om de kwaliteit en het feit dat ik iets zelf kan doen voor Suriname. Ja. In plaats van dat alles van India komt. Weet je, bijvoorbeeld. Klopt. Want ik doe veel meer dan alleen dodelijk en dat soort dingen. Denk je aan exporteren? Ja, dat is er zeker, maar dat zit weer met een soort een barrière. Want je kan niet zo makkelijk op eBay je spullen verkopen. Want eBay zegt dat de service niet, is, niet van toepassing is in jouw land. Dus het gaat heel moeilijk, maar een directe weg vinden, daar kijk ik even nog naar uit. Naar uit. Maar ik probeer alvast lokaal iets goeds te leveren. Ja. Oké, dus aangezien we daarnet spraken over dat je artiest bent, dus je stopt niet. Wat zijn jouw toekomstplannen? Toekomstplannen. Als je goed luistert naar de naam, Shifar's Studio of Percussion. Daar staat geen dolk, daar staat geen tabla. Mm-hmm. Er staat expliciet percussion. Ik ben voor nu bekend als een tabla-speler, als een dolkspeler, iemand die lessen verzorgt in die instrumenten. Maar ik wil echt gaan uitgroeien tot een studio die heel wat percussie- en slaginstrumenten doseert. Okay. En maakt natuurlijk. Yeah. Dus dat is echt mijn toekomstplan. Dus meer dan alleen dolk en tabla. Ik ben dus ook bezig met niet-Hindustaanse instrumenten, zoals Latin, yeah. Noem maar conga, bongo, Afrikaans, djembe, oosters, derbuka, duf. Dus mijn droom is daar is om dat alles later ook te gaan overdragen aan de rest van mijn leerlingen. Nice, dat is nice. Nu met COVID, wat doe je precies? Je kan geen lessen geven of doe je dat virtueel? Oké, natuurlijk COVID is een hele, ik zal niet zeggen obstakel, is een uitdaging geweest. Mm-hmm, is een uitdaging. Virtueel lessen waren een optie geweest, maar zoals je het weet is het instrument bespelen, het is toch iets praktisch, hè? Je moet echt one-on-one zitten, je moet zien wat de student doet. Dus ja, ik hou me wel aan de COVID-regels en natuurlijk aan de updates die steeds komen. Ja. Ik verzorg dus wel veilig les en waar nodig ook virtueel middels filmpjes. Maar ja. Het is een hele uitdaging hoor. Het is een uitdaging. En de optredens die zijn er sowieso niet vanwege COVID. Ja. Maar de lessen die gaan nog steeds veilig door. Okay. En zoals je zei, een artiest stopt nooit. Dus ik heb wel huiswerk die ik moet doen. Ik zit met instrumenten die ik moet maken. Ja, helemaal. Nou, ik zou zeggen, Shifar, was interessant om weer te weten wat je allemaal doet. Ik heb jou maar heel kort gekend, maar het was al spannend genoeg om te weten van dat je sowieso meer hebt in je. Ik kijk uit wanneer we weer samen kunnen werken en wanneer er weer een show is in Suriname of daarbuiten. Succes zou ik willen zeggen. Heb jij nog wat toe te voegen aan de kijkers, dan mag je dat. Ja, zeer zeker. Dankjewel voor deze uitnodiging natuurlijk. Graag gedaan. Ik kijk ook uit naar verdere samenwerking. En aan de kijkers wil ik zeggen, zet geen barrières voor je kinderen. Studeren is belangrijk. Natuurlijk is dat belangrijk. Dat zal iedereen waarschijnlijk gezegd hebben die hier gezeten heeft. Ja. Maar ga goed na waarin je wilt studeren. Niet een ieder is gemaakt om arts te worden. Niet een ieder is verplicht om arts te worden. Ga goed naar waarvan je houdt en studeer daar. Als muziek je ding is, als muziek je passie is, studeer daarin. We hebben in Suriname al een conservatorium waarin ik zelf aan verbonden ben. Dat is alvast een voorsprong. Als je weet dat je muziek wil doen, ga muziek studeren. Laat het niet zitten bij een weekendse of een vrije tijdse iets. Ga echt serieus ernaar kijken, want als iemand als Michael Jackson had gezegd van, ach, ik hou wel van zingen en van dansen, maar het is mijn hobby. Was hij nooit Michael Jackson geweest als hoe we hem vandaag kennen. Dus die mindswitch moet wel komen. Studeren is belangrijk, maar ga goed naar waarvan je houdt en studeer daarin.
Want alleen daar zou je erg succesvol zijn. Dankjewel. Het aantal personen dat maandag COVID-19 positief is getest, bedraagt 19, aldus de COVID-website van de gezondheidsautoriteiten maandagavond. Duidelijk is dat zich een dalende trend heeft ingezet van het aantal dagelijks positief geteste personen. Komende woensdag houden de gezondheidsautoriteiten een persconferentie waarin naar verwachting nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Er zijn maandag 107 tests uitgevoerd. Een patiënt is helaas aan het virus overleden, waardoor het totaal aantal doden nu 162 bedraagt. 33 patiënten zijn genezen verklaard. Op de intensive care units bedraagt het aantal patiënten 8 en 63 personen worden buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen. 133 positief geteste personen bevinden zich in isolatie. Vanwege een misverstand leek het erop alsof een interpellatievoorstel afgelopen maandag was ingediend door de ABOP en NPS in de kwestie rondom de oprichting van Nieuwsurfin NV. Het correct voorstel is dinsdag met een kleine wijziging ingediend door de partijen ABOP, NPS en VHP. Onder andere de handtekeningen van VHP'ers Cheryl Dijksteel, Rajinder Debi en Shambinda staan nu er ook op. De coalitiepartijen nodigen de regering hiermee uit om de Nationale Assemblée op zo kort mogelijke termijn volledig te informeren over deze investeringsmaatschappij om zo de ontstaande ruis en onduidelijkheden recht te trekken ten behoeve van land en volk. Coalitiefractieleider Assis Kumar Gayadin zegt aan Dagblad Suriname dat er een afspraak binnen de coalitie was dat de vergadering aangevraagd zou worden, maar het interpellatievoorstel pas ingediend zou worden na overleg met de regeringstop maandagavond. Een buschauffeur heeft in de vooravond van woensdag 3 februari de 57-jarige HA in de Kankawa-straat in de kraag gevat nadat hij HA uit een geparkeerde bus op zijn erf had zien stappen met 500 SED gestolen geld. Volgens verklaring van de buschauffeur had hij zijn bus op zijn erf geparkeerd waarna hij in huis bezig was met andere werkzaamheden. Op een bepaald moment werd hij door zijn neefje geroepen die hem zei dat hij een man die in de buurt bekend staat als een drugsverslaafde en kruimeldief uit zijn bus zag stappen. De buschauffeur stelde meteen een onderzoek in en ontdekte dat de verdachte 500 SED uit zijn bus had gestolen. De chauffeur ging de verdachte achterna en hield hem in de directe omgeving aan. De econoom Guillermo Samson noemt het conflict of interest wanneer een minister zitting heeft in de Raad van Commissarissen. Samson doelt op het nieuws over de oprichting van Nieuwsurfin NV door Wirin Ajoja en Palatsing. Het gaat om een constructie waarbij de minister van Financiën en Buitenlandse Zaken zijn betrokken. Dit maken we voor het eerst mee, zelfs als het een NV van de overheid is. Het roept bij Samson vragen op, maar hij zegt het ook niet goed te vinden dat het kantoor in het gebouw van een ministerie van Financiën zal zijn. Dit zijn rare dingen. Het is een unicum, want als je al in een RVC zat en je wordt minister, dan dien je afstand te doen van die functie, zegt Samson. Het kortgeding tegen Sergio Akimboto is uitgeprocedeerd en het wachten is nu op een uitspraak in deze zaak. De advocaat van Akimboto, Naila van Dijk, zegt dat er nu gewacht wordt op bericht van de rechter met een datum voor vonnis. Er wordt onder meer geëist dat het besluit van parlementsvoorzitter Marinus B. om het lidmaatschap van Akimboto in te trekken onmiddellijk wordt teruggedraaid. Van Dijk verwacht dat de uitspraak niet lang op zich zal laten wachten, aangezien deze zaak een spoedeisend karakter heeft. Parlementsvoorzitter B. houdt zich bij het standpunt dat Akimboto geen DNA-lid meer is, waardoor hij geen convocaties meer zal ontvangen voor participatie aan vergaderingen. Het assembleelid Harriet Ramdin is van mening dat de scholen in Ikeri en Koroni toegankelijk moeten worden voor de leerlingen. In haar optiek omvat het nieuwe normaal continuering van de lessen op school met inachtneming van de COVID-protocollen.
De scholen zijn sinds 22 december 2020 gesloten en per 28 januari 2021 is onderwijs op afstand ingegaan. Volgens Ramdin is dit vooralsnog tot uiting gekomen door het aanbieden van lespakketten, wat niet het gewenst effect heeft. De lespakketten zijn goed als het een tijdelijke oplossing is, maar op lange termijn krijg je grote achterstanden. Voor december hebben we al kennis gemaakt met het nieuwe normaal en de kinderen zijn dat ondertussen ook al gewend. We hoeven dus niet nog een keer bij nul te beginnen. Bovendien, de leraren komen heus niet van Paramaribo om les te geven in Ikeri en Koroni. De leraren zijn ter plekke aanwezig. Dus waarom moeten de scholen nog dicht blijven in deze twee COVID-vrije districten, stelt Ramdin. Suriname koopt ruim 8300 doses COVID-vaccins via de Caribische gemeenschap CARICOM bij het African Medical Supplies Platform, AMSP. Dat zegt minister Amara Madin van Volle Gezondheid dinsdag in gesprek met Dagblad Suriname. Het Africa Medical Supplies Platform is een non-profit initiatief van de Afrikaanse Unie als een onmiddellijke, geïntegreerde en praktische reactie op de COVID-19-pandemie. Het is niet de Afrikaanse Unie. Wat het is, is dat CARICOM een onderhandeling heeft gevoerd met het AMSP. Wat er is gebeurd is dat uit de gesprekken de AMSP via hun netwerken aan COVID-vaccins gaan komen en het gaat om de drie types vaccins Johnson & Johnson, Pfizer en AstraZeneca. Ze heeft dus 1,5 miljoen doses ter beschikking gesteld voor het Caribisch gebied, aldus de minister. Minister Pramanant Seudin van LVV heeft maandag de voorzitter van vakcentrale C47, Robbie Berenstein, en de vakbondsleiders van Sevilla's Diana Dwarka en de voorzitter van de Bumblebee Werknemersbond, Roy Haverkamp, ontvangen. Tijdens dit gesprek is van gedachten gewisseld over de problemen bij Sail en Sevilla's ten aanzien van het aanvoeren van de vissoort Red Snapper door de Finse landse boten. Partijen hebben lijnen uitgezet om te komen tot een definitieve oplossing voor zowel Sail als Sevilla's, die ervoor moet zorgen dat er geen negatieve effecten zullen zijn voor beide bedrijven. Dit zal de rust moeten doen terugkeren bij Sevilla's. Michael Miskin, trekker van het collectief van CLO-lidbonden, zegt dat er ten aanzien van gesprekken met de overheid over de loonrondes nog met niemand is gesproken. De ervaren vakbondsman heeft ook nog niet gezien dat er over het IMF is gesproken. Tot nu toe zijn er nog geen toegezegde presentaties gegeven. Dagblad Suriname verneemt van Armand Sunder dat er vandaag gesprekken worden gevoerd over het IMF en een sociaal herstelplan met Rafaxur. De loonrondes blijken volgens Sunder echter een CLO-aangelegenheid te zijn. Eerder waren er al kritische geluiden vanuit de samenleving waarom er nu over salarisverhoging van ambtenaren moet worden gesproken, nu de meeste kantoren gesloten zijn of juist vroeg dichtgaan vanwege de COVID-19-situatie. Het portaal waar de verkeerslichten aan bevestigd zijn op de hoek van de Van Hoogruisstraat en de Slangenhoofdstraat zal voorlopig niet terugkomen. Dit geeft de minister van Openbare Werken, Riyad Nur Mohammed, te kennen aan Dagblad Suriname. Het portaal werd vorig jaar tot 2 maal toe door zwaar transport aangereden. De portaalconstructie werd door de aanrijding dusdanig beschadigd dat het verwijderd moest worden. Het ministerie van Openbare Werken besloot het te verwijderen voor herstel, echter zal het voorlopig niet meer terugkeren. Vele verkeersdeelnemers hebben tegenover Dagblad Suriname te kennen gegeven dat zij veel last ondervinden van de huidige verkeerssituatie.